الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنت بالله صدق الله العظيم पढ़ो कलिमा मुहम्मद का मुहम्मद नाम ले लेकर पढ़ो कलिमा मुहम्मद का मुहम्मद नाम ले लेकर करो इस्लाम को जिंदा मुहम्मद नाम ले लेकर मेरे माथे पे सजदों के निशान तू देख ले रिजवान मेरे माथे पे सजदों के निशान तू देख ले रिजवान मैं अपने उम्मती होने मैं अपने जन्नती होने पहचान लाई हूँ मैं अपने जन्नती होने की ये पहचान लाई हूँ पढ़ो कलिमा मुहम्मद का मुहम्मद नाम ले लेकर करो इस्लाम को जिंदा नाम ले लेकर उमर फारूक ने कैसे जलाया कुफर जुल्मत को उमर फारूक ने कैसे जलाया कुफर जुल्मत को फैलाया दीन अहमद का मुहम्मद नाम ले लेकर फैलाया दीन अहमद का मुहम्मद नाम ले लेकर पढ़ो कलिमा मुहम्मद का मुहम्मद नाम ले लेकर खुदा जब मुझसे पूछेगा बता दुनिया से क्या लाई खुदा जब मुझसे पूछेगा बता दुनिया से क्या लाई तो कह दूंगी तेरे महबूब का ईमान लाई जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी आपका नाम जी मंसूर अहमद स्कूल का नाम अल मंसूर जैक एंड जिल ग्रामर एलिमेंट्री स्कूल ये किस इलाके में है ये जी ये समतपुरा उकाड़ा में है हमारा स्कूल कितना अच्छा हो गया है स्कूल को इसको 10 ईयर्स हो गए जी माशाल्लाह मेरे पास उससे पहले भी किसी दूसरी मेरे जो कुलीग थे उनके पास था 10 ईयर्स किसी मेरे पास है जी बच्चों के वालदैन को शऊर है अवेयरनेस है अवेयरनेस के हवाले से तो ये है कि बहुत कमी है इस चीज़ की हमें बार बार किसी मसले के लिए अगर हमें कोई बच्चे से कोई मसले मसाइल बच्चे के साथ पेश आ रहे हैं उनको बुलाते हैं तो कोई कई दफ़ा के पैगाम के बाद वो बड़ी मुश्किल से स्कूल का चक्कर लगाते हैं यहाँ तक अवेयरनेस की जो है ना वो कमी है कितने फ़ीसद आप कह सकते हैं अवेयरनेस है मेरा ख्याल है 10% कह लें आप बस बस तो 10% वालदैन जो है ना वो अवेयर हैं बाकी बहुत हालात तो अवेयरनेस आप दे रहे हैं कोशिश हमारी जो हाँ जी बिल्कुल मंथली हमारी पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें भी यही का यानी कि रेशो है
कि पेरेंट्स की अटेंडेंस जो है ना वो ना होने के बराबर है हमारे लिए, बहुत मसाइल हैं। और ये बस ये कह लें कि पसमानदा इलाके की वजह से ये ऐसे मामलात हैं कि वालदैन जो है एजुकेशन को वो तरजीह नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनके नज़दीक जो है एजुकेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा मोहतरम ये बताएं कि टैफ के कितना अच्छा हो गया? टैफ से 2011 से हम अटैच हैं जी माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा हमारा सिलसिला चलता है, चलता रहा है, चल रहा है। रिज़ल्ट भी हमारा माशाल्लाह 80% 90% यही रहा है पिछले दौर में, और इस दफ़ा भी हमारा माशाल्लाह 73.73 हमारा ये रिज़ल्ट आया। कोई मसला मसाइल बस वो थोड़ा सा ये जो कोरोना की वजह से जो ब्रेक डाउन आया ना, इसकी वजह से जो हमारे मसाइल बहुत बड़े हैं, ड्रॉप आउट बच्चों की रेशो बहुत बढ़ गई है, बहुत से बच्चे कामों पर वालदैन ने उनको भेजना शुरू कर दिया है। तो ये सबसे ज़्यादा हमें जो इसमें प्रॉब्लम ये आया है कि इसी 2 साल के दौरान जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा हमें यानी कि इस चीज़ में दिक्कत महसूस हुई है कि बच्चों को स्कूल लाने में हम कामयाब नहीं हो सके, जो ड्रॉप आउट की रेशो बढ़ गई ना उसे कम करने में कामयाब नहीं हो सके। कोई गवर्नमेंट ने कोई तावन किया हो आपसे? बस तावन तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बस हम अपने ही भी जोरे बाजू पे लड़ते रहे हैं, बस जैसे सिस्टम को चलाना चाहिए था जी, करना चाहिए था उनको बिल्कुल, लेकिन उस तरह उस सूरत में तावन हुआ नहीं है हमारे जैसे। क्या करना चाहिए था? यही था कि हम हमारे साथ कोऑपरेट करते, वालदैन अगर बच्चों को काम पर भेज रहे हैं तो उनके वालदैन के साथ थोड़ा सा उनको कोई माली मुआवनत मिल जाती है उनको, ताकि वो इस चीज़ से उनका जहन थोड़ा सा हट जाता कि हम अपने बच्चे को कामों पर ना भेजें। इस किस्म की थोड़ी सी अगर वो हमारे साथ अटैचमेंट रखते तो ये ड्रॉप आउट की रेशो इतनी बढ़ती नहीं है। थोड़ा तो सा स्ट्रेंथ क्या है आपकी? स्ट्रेंथ इस वक्त माशाल्लाह 300 के करीब है मेरी। और स्टाफ? स्टाफ है मेरे पास 10। स्टाफ की कम से कम तालीम? कम अज़ कम FA है हमारे पास, उसके बाद है बाकी FA BA MA भी हमारे पास इस वक्त माशाल्लाह टीचर्स हैं, और उस हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ में कामयाब हैं। स्टाफ हमारा भी मोहतरम ये बताएँ कि बच्चों के वालदैन को कोई पैगाम दें, मैसेज दें? उनको पैगाम यही है कि वो बच्चों को जो है सही तरीके से लुक आउट करें, स्कूल से इंतज़ामिया से वो रابطے में रहें, जिस वक्त उनको पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया जाए या किसी भी मसले के लिए बुलाया जाए वो ज़रूर लब्बैक कहें उसकी बात पर, आवाज़ पे टीचर बुला रहा है, पूछें कि किस लिए बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, इग्नोर ना करें। हम कोऑर्डिनेशन रखेंगे ना जी, तो हम इंशाल्लाह बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर जो है ना उनकी तालीमी जो है वो सलाहियतों को बढ़ा सकेंगे इंशाल्लाह।